ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? यार एक चीज़ काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया सेकंड कट ऑफ क्या आ सकती है, कितनी परसेंट की डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कितनी परसेंट तक गिर सकती है सेकंड कट ऑफ। यार देखो, फर्स्ट कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, आप सभी को पता है, एंड ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था काफ़ियों के लिए। काफ़ियों के लिए क्या, सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। 100% इतने सारे कोर्सेज के अंदर गई है। अब यहाँ से देखो, एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितनी परसेंट गिर सकती है। तो मैं एक रफ आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पा रहा कि यार इतना हो सकता है चेंज। तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कितनी एक्सपेक्टेड, जहाँ तक मुझे लगता है कितनी गिरेगी। देखो, जितने भी टॉप नॉच कोर्सेज है, टॉप नॉच कॉलेजेस है, देखो टॉप नॉच कोर्सेज के अंदर हमारे बीकॉम आ जाते हैं, बीकॉम ऑनर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आ जाता है, एंड साइंस के कुछ कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टॉप नॉच कोर्सेज हैं एंड हर कोई इनको करना चाहता है। पोल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, तो ये भी कोर्सेज टॉप नॉच है। तो यार इनकी जो कोर्सेज की कट ऑफ है इनकी, आपकी देखो अगर 100% पे ओपन हुई है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 0.5 या 0.25 तक गिर सकती है। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि सेकंड कट ऑफ में इतनी गिरावट आ जाएगी। मैक्सिमम 0.5 तक जा सकती है आपकी इन कोर्सेज के अंदर। ऑल्सो जो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं उनके अंदर थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है कि 1% तक गिर जाए। एंड जो टॉप कोर्सेज है, टॉप कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ में गिरना काफ़ी मुश्किल है। एंड जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी इसीलिए फेमस है कि इसकी फर्स्ट कट ऑफ हमेशा हाई रहती है एंड सेकंड भी इतनी ही हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड आपकी एकदम गिर जाएगी, सेकंड भी हाई रहती है, फर्स्ट भी हाई रहती है। जो सब्सिक्वेंट कट ऑफ होती है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी गिरावट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो काफ़ी हाई रहने वाली है सेकंड कट ऑफ भी, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ही डिक्रीमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी के अंदर, सभी कैटेगरी के अंदर थोड़ा थोड़ा ही डिक्रीमेंट आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाला। बिकॉज ओवरऑल ये सीट्स पे डिपेंड करता है आपकी, कि आपके कि पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर सीट्स कितनी रहती है फर्स्ट कट ऑफ के बाद, एंड उसके अकॉर्डिंग सेकंड कट ऑफ आती है। अगर सीट ज़्यादा बचेगी तो डेफिनेटली कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा डिक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर सीट्स ही कम बचती है तो कट ऑफ में गिरावट आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्सो जो कॉलेजेस टॉप के हैं उनके तो काफ़ी मुश्किल है, लाइक SRCC हो गया, हिंदू, हंसराज, रामदास की रोड़ी, मल्ली, टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, तो इनके कट ऑफ में 0.25 तक गिर सकती है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। एंड जहाँ तक हम दूसरे कॉलेजेस की बात करें, तो जैसे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हो गए, लाइक उनकी भी इस बार काफ़ी हाई गई है, जो कभी नहीं जाती। देशबंधु कॉलेज की भी इतनी गई है, 98% पे ओपन हुई है, तो यार इतनी कभी नहीं जाती देशबंधु कॉलेज की भी, लेकिन स्टिल गई है। तो उनके भी कट ऑफ में अभी तो गिरावट आनी शायद मुश्किल हो सकता है कि 0.5 या 0.25 से ज़्यादा गिरे, लेकिन इतनी तो जानी ही चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ऑल्सो अब बात करते हैं कि 80% 85% वालों का एडमिशन होना है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हो सकता है? देखो यार, बहुत ही मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है, लेकिन होप नहीं छोड़नी, लास्ट तक हमें देखते रहना कि कट ऑफ क्या जाती है। 5 कट ऑफ आनी है तो वहाँ तक देखते हैं कि क्या सीन रहता है, हो भी सकता है कि आपका हो भी जाए। एंड ज़्यादा चांस यही है कि काफ़ी मुश्किल, काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। एंड आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट कट ऑफ में 96% 97% से नीचे किसी कोर्स के अंदर गई ही नहीं है कट ऑफ, जनरल वालों के स्पेशली। तो काफ़ी मुश्किल है, बाकी लेट्स सी कि कितनी परसेंट की गिरावट होती है सेकंड कट ऑफ में। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रेंज है कि इतनी जा सकती है, 0.5 या 0.25, डोंट टेक इट ग्रांटेड, इससे ज़्यादा भी जा सकती है एंड इससे कम भी जा सकती है। तो आई होप कि वीडियो से कुछ आपको मिला होगा कि यार हाँ ठीक है, इतना गिरावट हो सकती है, क्या एक आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि ठीक है इतना हो सकता है, ठीक है। बाकी गारंटीड तो कुछ भी नहीं है, वेट फॉर द सेकंड कट ऑफ एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपडेट मिलती रहे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एंड कुछ भी मिस ना करो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, ये स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स के लिए, आपके काफ़ी काफ़ी हेल्प होने वाली है वहाँ पर। ऑल्सो ड्यू बस पर भी आप फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे, तो ड्यू बस को जाके फॉलो करो। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।